नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद्रामोरे टाकिस के समीप रात से शुरू होगा सर्विस रोड का चौड़ीकरण कार्य। वाहनों की आवाजाही के लिए यातायात पुलिस ने की वैकल्पिक व्यवस्था। खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत मिनीमाता नगर में युवक की कटर से गला काटकर हत्या। क्षेत्र में मचा हड़कंप। श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक छठ महापर्व का हुआ समापन। व्रतधारियों ने सोमवार की सुबह उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छठ घाट पहुंचकर भोजपुरी समाज के लोगों को दी बधाई और शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सोमवार की सुबह महा छठ पर्व के पावन अवसर पर निवई डेम, रिसारी, शीतला मंदिर, रुआ बांधा तालाब के घाटों पर पहुंचकर समस्त छठ व्रतियों सहित प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ वे छठ पूजा में शरीक हुए एवं स्वयं डाला उठाकर उगते सूर्य की आराधना कर प्रदेश के भोजपुरी समाज के लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। महापर्व छठ पूर्वांचल एवं भोजपुरी समाज के लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में कोई भेदभाव नहीं होता, न कोई राजा होता है, न कोई रंग होता है, सबके प्रति समान भाव रहता है। इस पर्व में कठिन तपस्या के बाद सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य उपासना के बाद हम सभी में ऊर्जा का संचार होता है। व्रती महिलाओं ने सोमवार सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने व्रत को समाप्त किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने तालाबों में अपने परिवार सहित पहुंचकर छठी मैया की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। चार दिन से चले आ रहे छठ महापर्व का समापन सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ हुआ। आस्था के महापर्व छठ को मनाने बैकुंठ धाम तालाब में सोमवार सुबह हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। श्रद्धालुओं ने तालाब में परिवार सहित आकर छठी मैया की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान आस्था का अलग नज़ारा देखने को मिला। सोमवार सुबह 5 बजे से ही बैकुंठ धाम तालाब का परिसर श्रद्धालुओं से भर चुका था। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना की। छठी मैया की पूजा अर्चना विभिन्न सामग्रियों से कर भोग लगाया गया। जैसे ही सूर्य देव का उदय हुआ वैसे ही तालाब में मौजूद हजारों की संख्या में व्रती महिलाओं ने उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूरा किया। छठी मैया की पूजा अर्चना को लेकर तालाब परिसर में आए हजारों श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां यूपी बिहार के अलावा अन्य समाजों से आए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तालाब में सुबह से ही एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा था। कामना पूरी होने या फिर कामना लेकर पहुंचे लोगों में एक विशेष उत्साह भी देखने को मिला। छठ महापर्व, यहाँ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ की साक्षात सबसे पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, वही दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। और इस छठ महापर्व के पर्व पर जहाँ यूपी, बिहार, झारखंड सहित आज विभिन्न प्रांतों के लोगों के द्वारा 36 घंटे सूर्य देव की उपासना करते हैं, ऐसे व्रतधारियों को बधाई देने विगत वर्षों की भांति हम लोग विभिन्न छठ तालाब में पहुंचकर छठ माता बहनों का यहां आशीर्वाद लिया, उन्हें बधाई भी दी गई। और आज यहां की छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज की ओर से मेरे द्वारा जहाँ शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दी गई है, वही आज सुबह प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ देकर देश प्रदेश एवं सभी के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। हमारी
चारों ओर व्रतधारी महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये वो महिलाएं हैं जिनके द्वारा कल डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया था, आज इनके द्वारा उगते सूरज को अर्घ्य देने के पश्चात 4 दिनों से चले आ रहे अंदाजा लगा करना मुश्किल है। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पश्चात सूर्य जो भी उदय होंगे उनकी समाप्ति के पश्चात ही इस पर्व की कुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत मिनी माता नगर में रविवार की रात 9 बजे के आसपास विजय पासवान नामक युवक की कटर से गला काट कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक विजय पासवान रविवार की शाम छठ घाट से लौटकर कबीर मंदिर जैतखम के पास टहलने गया हुआ था। इसी दौरान मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों ने उसके गले पर कटर से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल विजय पासवान किसी तरह अपने चचेरे भाई के घर के सामने पहुंचा और गिर गया, जिसके बाद उसे उठाकर निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसकी स्थिति को देखते हुए बीएम शाह हॉस्पिटल भेज दिया गया। बीएम शाह अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी जांच कर मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से आक्रोशित मोहल्लेवासी सोमवार की सुबह थाने पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बहरहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। मेरे देश की धरती
खेती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सबका स्वागत है। छठ महापर्व पर पिछले 25 साल से पूर्व पार्षद और मछुआ प्रकोष्ठ जिला भिलाई के अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी लोगों को चाय पिलाने के साथ दूध का निशुल्क वितरण करते आए हैं। इस परंपरा को इस वर्ष भी उन्होंने बखूबी बरकरार रखा। पूर्व पार्षद और मछुआ प्रकोष्ठ जिला भिलाई के अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर पिछले 25 वर्षों से छावनी तालाब में श्रद्धालुओं को चाय पिलाने के साथ निशुल्क दूध का वितरण किया जा रहा है। छोटेलाल चौधरी के पंडाल में चाय शुद्ध दूध से बनाई जाती है। यही वजह है कि हर वर्ष छोटेलाल चौधरी के पंडाल में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस वर्ष भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। सभी श्रद्धालुओं को चाय कुल्हड़ में पिलाई जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व तक स्थानीय स्तर में कुल्हड़ उपलब्ध नहीं होने की वजह से चौधरी द्वारा कुल्हड़ को कोलकाता से मंगाया जाता था। शुद्ध दूध से बनी चाय को लेने आसपास के क्षेत्र से लोग घरों से केतली और बर्तनों को लेकर पंडाल में पहुंचते देखे जा सकते हैं। चाय के साथ साथ व्रती महिलाओं को अर्घ देने दूध का भी निशुल्क वितरण किया जाता है। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग छोटेलाल चौधरी द्वारा स्वयं की जाती है। पंडाल में कुल्हड़ में चाय पीने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। छोटेलाल चौधरी ने कहा कि छठी मैया की कृपा से यह सब संभव हो पा रहा है। जब तक छठी मैया की इच्छा है वह इस कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं छठ तालाब में। देख सकते हैं यहाँ पे छठी मैया का स्वागत है। उत्तर पूर्व के समीप है लगभग 25 साल हो गए यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए, जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा के लिए साथ में जोड़ने साथ आए हुए हैं। सबकी सेवा के लिए यहाँ पे निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और प्योर दूध की चाय यहाँ पे कुल्हड़ में पिलाई जाती है। ये कार्य की शुरुआत इनके द्वारा कब से की गई, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, आइए हम इन सब से चर्चा करने के छोटेलाल चौधरी से। छठ मैया सब लोग मनोकामना पूर्ण करे प्रदेशवासियों से। और ये अपना त्योहार महापर्व होता है, व्याघ्रों पर होता है, सबसे बड़ा पर्व उसको व्याघ्र माना जाता है। जो हम लोग बहुत हमारी माँ बहने प्लास्टिक में चाय
पूरे प्रदेश में हमारी मंशा जब तक छठ महीना हमारी आशीर्वाद रहेगा तब तक छठ महीना देश भर में बड़े धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में दो पक्षों में छठ घाट पर जमकर मारपीट हुई, जिसे पुरुषों के साथ महिलाएं भी हाथ चलाती दिखाई दी। छठ पूजा के दौरान सोमवार सुबह अर्घ देने अंबिकापुर के शंकर घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इसी दौरान दो पक्षों में पूजा करने की जगह को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। चंद्रा मौर्या चौराहे के पास फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड का संधारण कार्य सोमवार रात से किया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने तक वाहन चालकों के लिए आवागमन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस द्वारा बनाई गई है। नेशनल हाईवे में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य को लेकर सर्विस रोड का चौड़ीकरण कार्य चंद्रा मौर्या चौराहे के समीप सोमवार की रात से शुरू किया जा रहा है। चौड़ीकरण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने, सड़क जाम जैसी स्थिति बनने से रोकने, यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को निरंतर जारी रखने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए यातायात पुलिस द्वारा रूट चार्ट तैयार किया गया है। छोटे और बड़े वाहन चालकों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे वाहन चालकों को यातायात पुलिस द्वारा बताए इन मार्गों का उपयोग करना होगा। सड़क जाम और यातायात को बाधित होने से रोकने यातायात पुलिस द्वारा यहां यातायात के कर्मचारियों की तैनाती भी की जा रही है, जो सड़क चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने तक यहां तैनात रहेंगे। चंद्रा मौर्या चौराहे के समीप सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से तैयारियाँ की जा रही थी। अब सोमवार रात से इस मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर कार्य शुरू किया जाएगा।
इसकी जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। चंद्रावरा फ्लाईओवर के नीचे जो 100 मीटर का दायरा है उसमें चौड़ीकरण का और डामरीकरण का काम आज रात्रि 10 बजे से चालू हो जाएगा, तो जिसके लिए हम लोगों ने डाइवर्शन प्लान भी बनाया हुआ है। और जो रायपुर से दुर्ग चंद्रावरा अंडरब्रिज की ओर आ रहे हैं वो भारी वाहन चाहे बस हो चाहे ट्रक हो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। यदि छोटी गाड़ी से आ रहे हैं मोटरसाइकिल है कार है तो चंद्रावरा टॉकीज के सामने से अमित इंटरनेशनल जो होटल है उसके पीछे से ही आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा जो जाम की स्थिति निर्मित होगी काफ़ी दबाव रहता है चंद्रावरा चौक में भी अंडरब्रिज में, तो इसके लिए अल्टरनेट जो पावर हाउस अंडरब्रिज है और प्रियदर्शनी अंडरब्रिज है उसका उपयोग करें। और एक सप्ताह में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो रोड को डामरीकरण का काम पूरा कंप्लीट कर दिया जाए और आवागमन के लिए खोल दिया जाए। सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बनाए रखने सर्विस रोड का किया जा रहा चौड़ीकरण कार्य सराहनीय है। वहीं नेशनल हाईवे में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के समीप गड्ढों में तब्दील हुआ मुख्य मार्ग दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। यहां आए दिन दोपहिया चालक अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। कोई बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व इस सड़क का संधारण कार्य कराए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ।
कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरायपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित इवास इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास सोमवार की सुबह एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि युवकों के शरीर के अंग विक्षत हो गए। सरायपाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। दुर्ग के सिकोला भाटा स्थित सुनी मकान में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी को लॉकर तोड़कर अंदर रखे जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसकी जांच मोहननगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। मोहननगर थाना अंतर्गत सिकोला भाटा क्षेत्र में बीती रात व्यापारी के सुने मकान में चोरी की घटना घट गई। बता दें, अज्ञात चोरों ने घर में रखे 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है सिकोला भाटा स्थित मकान गर्ग इंटरप्राइजेज के संचालक किशोर गर्ग का था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गर्ग अपने परिवार के साथ रिश्तेदार से मिलने राजनांदगांव गए हुए थे। इसी बीच सुनेपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में घुसकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुर्ग पुलिस मामले की जाँच कर रही है और साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। परिवार के लोग जब घर पहुंचे तो सुबह मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो अलमारी के लॉकर टूटा हुआ था और ताले भी सब टूटे हुए थे और साथ ही 3 लाख रुपए नगद समेत सोने के जेवरात यहां पर गायब बताए गए थे। बताया जा रहा है चोर इसे लेकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित ने अपनी जानकारी इस तरह से दी है। मेरा ट्रेडिंग का काम है, मेरा झाड़ू पोछा ट्रेडिंग का काम है, गांव देहात में घूम घूम के सेल्स करता हूँ। चोरी हुई है, हाँ। हम लोग परसों शनिवार को दोपहर को मैं, मेरी वाइफ, मेरे यहाँ साहू भाई के यहाँ हम लोग घूमने गए थे, तो 4 बजे के आसपास गए और सुबह फिर रविवार को सुबह 4-4:30 बजे ये मेरे घर चोरी हुई। तो उस दरमियान यहाँ मैं वॉकिंग में जाता हूँ सुबह, तो मेरे को जो उठाने आए तो मेरे को फ़ोन लगाया भैया कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, ताला टूट चुका है और फिर आप जाके थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, यहाँ भी हो तो ऐसा करके। तो मोहल्ले वाले लोग और परिचित के लोग को मैं बोला मैं कि आप लोग वहीं पे रहना, FIR कराते हैं, तो पुलिस वाले के साथ आके घर में सब देखे। लगभग कितने की चोरी है? मेरा लगभग जेवर और कैश मिला के 12.5-12 लाख की चोरी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लोक आस्था का पर्व छठ महापर्व की छठा देश प्रदेश सहित भिलाई में भी देखी गई। शहर के सभी तालाबों के किनारे छठ घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। व्रतियों ने जहां रविवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया, वहीं सोमवार की सुबह उगते सूर्य को फिर से अर्घ देकर 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान सम्पन्न कराया।
छठ महापर्व पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी सब परिवार सेक्टर 2 स्थित छठ तालाब पहुंचे और पूजा अर्चना कर अर्घ देने के बाद तालाब का भ्रमण कर सभी को छठ महापर्व की बधाई दी। इस बीच म्यूजिकल संध्या का भी आयोजन किया गया था। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।